सिवान में एगो युवक के गोली मारकर घायल कर देहल गइल बा। ई बड़ा घटना जोन बा आज सिवान में घटल बा। जी हां, रुवक बता दी कि घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के दरौंदा रेलवे फाटक के पास के ह। घायल दरौंदा थाना क्षेत्र के उजाव गांव निवासी राजेंद्र चौधरी के 29 वर्षीय बेटा अंशु कुमार बतावल जा रहल बने। पिताजी बताओ तरे कि अंशु के बहन के शादी रहल 11 जुलाई के, घर पर बारात आवे वाला बा। शादी के कार्ड बांटे खातिर अंशु आज जात रहन। दरौदा रेलवे फाटक के पास पहुंचकर अपना बाइक के चक्का में हवा डलवावत रहन, तबे एगो बाइक पर सवार 4 गो अपराधी पहुंचले हैं आ अंशु के मुंह में गोली मार दिल हन। आनंद फानन में दरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करावल गेल है, जहां डॉक्टर के टीम बेहतर इलाज खातिर सिवान रेफर कर दिल। सिवान से भी पटना रेफर कर दहल गेल बा। इधर घटना के बाद मौका पर पहुंचल पुलिस पूरा मामला के जांच में जुट गेल बिया। दरौदा थाना क्षेत्र प्रभारी छोटन कुमार बतेलन की घटना के बाद परिजन के फर्द बयान लेहल जा चुकल बा। आरोपी के पकड़े खातिर पुलिस छापेमारी शुरू कर दिले बिया। जल्द ही अपराधी पकड़ में आ जाई हैं। इन्हें घायल के पिता बतेला हन कि उनकर पटीदार के ही एगो युवक के साथ उनका बेटा के कोनो बात के लेके विवाद रहल। बीते दिन भी वो लोग के द्वारा घर के रेकी भी कल जात रहे। उनका फोन पर भी अज्ञात लोगों के द्वारा कॉल करके अंशु के घर आवे के जानकारी पूछत रहे लो। अंशु बेंगलुरु में मजदूरी के काम करे, 3 दिन पहले ही घर आयल रहल हन।